हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में व्रत का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। ये व्रत का चित्र दिया गया है, तो व्रत में जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसको ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो है व्रत की परिधि है, तो व्रत के केंद्र से उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र है और ये परिधि है, इसके यहाँ तक की जो दूरी है इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको आर से डिनोट करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे ये व्रत है, ठीक है, तो इस व्रत के जो अंदर की जो जगह है वही इस व्रत का क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्रत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो व्रत का क्षेत्रफल बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये व्रत के क्षेत्रफल का फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। व्रत का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसमें मान नकर इसको हल कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई की जगह पर 22/7 लिख लेंगे, 22/7। और आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है, तो 7 जो है गुड़े में हम दो बार लिख लेंगे, 7×7, क्योंकि आर स्क्वायर है, यानी आर दो बार है गुड़े में, तो हम जो आर का मान 7 था, तो 7 को हम गुड़े में दो बार लिख लेंगे, 22/7×7×7, ठीक है। अब ऊपर नीचे 7 से 7, 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से 7 को हम कट कर लेंगे, ठीक है। 22×7 बच गया, 22 और गुड़े में 7 बच गया, इसका हम गुड़ा कर लेंगे। 7×14 का 4 हासिल हुआ 1, 7×14 और 1 हासिल मिलाकर हो जाएगा 15, 154, ठीक है, 154। अब यहाँ पर हम व्रत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है, तो आर बराबर क्या था, 7 सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी व्रत का क्षेत्रफल निकाल कर कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से व्रत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।